नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। इससे 18 दिन पहले बुधवार को गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा की ज्वाइनिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटा दी। गवर्नर ने सिन्हा को पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 17 जून को राजभवन बुलाया था, लेकिन सिन्हा ने नामांकन की जांच का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। इससे पहले भी उन्हें एक बार बुलाया गया, लेकिन काम का हवाला देकर सिन्हा ने राजभवन आने से मना कर दिया था। भाजपा ने भी सिन्हा पर TMC का समर्थन करने का आरोप लगाया। राजीव सिन्हा 2019 से 2020 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पिछले महीने ममता सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राजीव सिन्हा और 3 अन्य लोगों का नाम गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ने ही उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। अब उन्होंने उनका ज्वाइनिंग लेटर लौटा दिया है। कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के जरिए होती है। इस मामले में तो खुद गवर्नर ने उन्हें चुना था। ऐसे में इस मामले में आगे क्या होगा, यह कह पाना भी स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।